संगीत का सफ़र तो मेरा बहुत मैं छोटी थी तब से शुरू हो गया। मुझे लगता है कि मैं 4-5 साल की थी तब से मैंने मेरी माता जी नीला घाणेकर जी से गाना सीखना शुरू किया, क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं वो क्लासिकल सिंगर थी और वो घर में ट्यूशंस लेती थी, सिखाती थी लेडीज़ को, बच्चों को, और वो मैं सुनती रहती थी, खेलते रहती थी और कान में वो क्लासिकल म्यूज़िक आता रहता था। तो मुझे वही शौक़ हो गया, तो मैंने बचपन में मम्मी से ज़िद की थी। मम्मी ने मुझे ये बताया था, मुझे याद नहीं, मम्मी ने कहा कि तुम मुझे ये ज़िद करने लगी कि मुझे गाना सिखाओ, मुझे आ सिखाओ। तो मम्मी को लगा आ मतलब क्या, तो कोई होगा बच्चों का गाना सिखाया, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, आ मतलब मम्मी जो गाती थी तानपुरा लेके क्लासिकल बंदिश या राग या जो भी वो गाती थी वो मुझे सीखना था, क्योंकि मुझे सुनते सुनते शायद वो शौक हो गया था। और मम्मी ने फिर मुझे गाना बेसिक जो ट्रेनिंग है, जो क्लासिकल की ट्रेनिंग है, वो देना शुरू की। उसके बाद मम्मी ने ये सोचा कि अभी और भी बहुत अच्छा, अगर कोई गाइडेंस मिले, बहुत सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, तो पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से सीखने का मुझे मौका मिला। ये तो मेरा सौभाग्य है कि उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि हाँ तुम आ सकती हो, मेरे पास सीख सकती हो। ये तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे शास्त्रीय संगीत की वो तालीम दी है जिससे बुनियाद बन गई, जिससे आज तक संगीत का ये मेरा सफ़र जो है वो चल रहा है। और गुरुजी के पास मैं बैठ के सीखती थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से मुझे सिखाया। और क्लासिकल सीखते सीखते फिर एक मोड़ ऐसा आ गया कि मैं फिल्म संगीत की तरफ मुड़ गई, और उस वक्त मुझे बहुत सही गाइडेंस जिन्होंने दिया वो है कल्याणजी भाई आनंद जी भाई। और कल्याणजी भाई आनंद जी भाई के पास मैं गई थी, तब किशोरदा की रिकॉर्डिंग थी, फिल्म सेंटर तारदेव मुंबई में एक स्टूडियो है वहाँ पे। तो वहाँ पे कल्याणजी भाई और आनंद भाई से मुलाकात कैसे हो, तो कोरस सिंगर, मतलब कोरस सिंगिंग के लिए मैं चली गई। और तब किशोरदा थोड़ा सा देरी से आए थे या आने वाले थे, तब थोड़ा सा टाइम था, इसलिए मैंने गाना गाया वहाँ पे, मतलब गाना सुनाया कल्याणजी भाई और आनंद जी भाई को। और वो गाना था फिल्म गुड्डी का, हमको मन की शक्ति देना। तो वो गाना सुन के उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है और प्लेबैक सिंगिंग की और भी कुछ टेक्निक सिखाएंगे तो बहुत अच्छा गा सकती है। तो क्लासिकल की ट्रेनिंग उन्होंने सुना के पंडित जी से सीख रही, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन साथ साथ में मेरी मदर टंग है मराठी, तो कल्याण जी भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम उर्दू लिखना पढ़ना सीखो। तो एक मौलवी साहब आते थे, ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन कमाल की एनर्जी थी उनमें। उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत मेहनत से, बहुत लगन से सिखाया उर्दू लिखना पढ़ना, मुझे बहुत मज़ा आता था सब। और इस बात का मुझे प्लेबैक सिंगिंग में या हिंदी गाने गाने में और गज़लें या जो भी हैं उसमें बहुत 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 फ़ायदा हुआ, क्योंकि कल्याण जी मैंने कहा देखो तुम अगर मराठी का ज़रा भी फ्लेवर या टोन गाते समय आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि अभी मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाया है, मराठी में तो बहुत ही गाने गाए हैं, लेकिन जब हिंदी गाओ या उर्दू गाओ तो बिल्कुल सही तलफ़ुज़ बहुत साफ़ और सही होना चाहिए। तो इस बात की मैंने बहुत कोशिश की तब, और इस बात का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। साथ साथ में क्लासिकल से जब मैं फिल्म संगीत की तरफ आई तो बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में आई, जहन में आई कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा गाना चाहिए। और शुरू शुरू में एक दो गाने मैंने डबिंग भी की जो लता जी ने बाद में गाए, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस मिला, वो अनुभव मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो कि स्टूडियो में जाके कैसे रिकॉर्डिंग होती है। और मेरा, मतलब मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है कि मैंने कुछ 2-3 गाने लाइव भी रिकॉर्ड किए। आजकल लाइव रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, वो तो बहुत साल पहले ही बंद हो गई, डबिंग शुरू हो गई, लेकिन मैंने पूरे म्यूजिशियंस बैठे हैं और इस तरह से जो गाना गाया करिश्मा कुदरत का, फिल्म
फिल्म का था वो, पिघलता आसमान में मैंने गाया, रति अग्निहोत्री जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था वो गाना, जिया ना ही लागे, और वो गाना इला अरुण जी ने लिखा था। वो गाना गाया मैंने और उस गाने की बहुत सारी रिहर्सल्स की, क्योंकि वो गाना शुरू होता है एक आलाप से, आलाप के बाद फिर इंट्रो म्यूजिक, फिर गाना, तो ऐसा लगा मेरी वजह से रिटेक नहीं होना चाहिए, और इसलिए पूरी तैयारी, बहुत सारी रिहर्सल्स, तो बहुत इन्वॉल्व होके, बहुत अलर्ट रह के, बहुत मन से, क्योंकि वो शुरू शुरू का दौर था। ऐसा नहीं कि अभी कब मैं मन से नहीं गाती हूँ, लेकिन तब तो और भी, कि मेरी वजह से रिटेक नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब दिमाग में था। तो बहुत अच्छा वो गाना हो गया, और ऑफ कोर्स जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, कि मेरे कारण कोई रिटेक नहीं हुआ। तो ये सब बातें याद आती हैं, अभी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये सब आपके प्रोग्राम के साथ साथ मैं भी यही याद कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।